रहीम अच्छा एक नए लेक्चर के साथ वीक नंबर थ्री में हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक फ़िजियोलॉजी ऑफ ब्लड और, और, और इसमें हमें ये समझने की जो है वो एंड पे हमें ये लाजिम समझना चाहिए कि हम यहाँ पे ब्लड किसे कहते हैं एक्चुअली होल ब्लड होता क्या है और ब्लड के अंदर भी क्या कोई और कंपोनेंट्स भी होते हैं या नहीं होते आ, स्लाइड नजर आ रही है अब लोग जी सर ओके सो स्टार्ट करते हैं उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो कुछ लास्ट वीक हमने पढ़ाया था तो उसको आप लोगों ने देखा भी होगा दे रिकॉर्डेड सेशन को भी आपके साथ जो है वो शेयर किया था उसको भी देखा होगा और साथ में आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आप लोगों ने डिस्कस किए थे एक दूसरे के साथ या खुद देखे थे? एक प्रोफेशनल की एथिकल जो है वो किस तरह होनी चाहिए उसकी कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए yes, ओके दैट्स ग्रेट ठीक है तो देखे हो देखे आज देखे। जी हेलो अच्छा तो आज जो हमारे टॉपिक होंगे इसमें वो होगा ब्लड फिजियोलॉजी ब्लड फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक्चुअली ब्लड कहाँ बनता है क्या फंक्शन है उसकी और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ब्लड है ब्लड प्रोडक्शन कैसे होती है आ, ये नॉर्मली ये तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन बीइंग एज अ स्टूडेंट ऑफ एलबोडमी आप लोगों को इसका भी आइडिया होना चाहिए कि ब्लड प्रोड्यूस कैसे होता है ब्लड uh, का मतलब के सेलुलर एलिमेंट्स उसमें है आपको पता है कि डब्ल्यू है आर है और उसके साथ जो है वो प्लेटलेट्स uh, है अब ये uh, इंसान को जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई होती है तो वो दो पार्ट के अंदर होती है एक को कहते हैं एंट्राइट्राइन लाइफ यानी वो वाला हिस्सा जो माँ के पेट के अंदर होता है जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है फ्रॉम स्पम ओवा फिर जायगोट एम्ब्रियो फिर एक फीटस बन जाता है और आफ्टर बर्थ जो कि एडल्ट लाइफ तक और फिर एंड तक जो है उसकी ज़िंदगी हो रहती है तो इन दोनों के दरमियान जो ब्लड की प्रोडक्शन हो रही होती है वो डिफरेंट होती है और ये भी आज हम डिस्कस करेंगे उस प्रोडक्शन को कहते क्या है पर्टिकुलरली एंटीकोगुलेंट्स उसी ब्लड को अगर हम उठा के किसी लैब पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें से कुछ क्लॉट्स होते हैं कुछ क्लॉट नहीं होते तो एंटीकोगुलेंट्स कितने हैं लेब के अंदर हम कितने यूज कर रहे होते हैं और फिर उसी एंटीकोगुलेंट को देख के प्लाज्मा और सीरम का जो है वो डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो so, फर्स्ट uh, जो हमारा ओवरवीव uh, uh, है दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड फंक्शन ऑफ ब्लड सीरम एंड प्लाज्मा एंटीकोगुलेंट्स एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड सो so, ब्लड को जब भी हम डिफाइन करते हैं ब्लड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है कि जब भी आप किसी से पूछ लेते हैं तो कि ब्लड क्या है तो उसका आंसर यही होता है कि ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ठीक है अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये बनी हुई है इसमें मोस्टली जो है वो आपके बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ है ऐसे सेल्स है जो के आ, आपके बॉडी को बना रहे होते हैं मेनली जो है वो हमारे पास जो है वो चार डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं जिसमें से एक जो है वो आपका कनेक्टिव टिशू है कनेक्टिव टिशू के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कोई एक दो सेल्स को या चार सेल्स को या छः सेल्स को आपस में क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है तो एक तो ये कनेक्टिव टिश्यू है कि इसको आप देख रहे हैं तो बाकी सेल्स जो है वो अपने अपने अपना अपना काम कर रहे होते हैं और पर्टिकुलर एरिया तक जो है वो महदूद होते हैं जबकि ब्लड क्या अगर आप देख ले तो ब्लड किसी ख़ास एरिया तक महदूद नहीं है बल्कि जहाँ जहाँ आपकी बॉडी है जहाँ जहाँ तक आपकी सर्कुलेशन गई हुई है तो वहाँ पे ये सेल जो है ये क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है और इस सप्लाई का फ़ायदा क्या है इस सप्लाई का काम क्या है इस सप्लाई का काम जो है वो ये है बेसिकली कि आपके बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना वहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आपने वापिस जो है वो लेके जाना होता है और वो थ्रू लंग्स जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है इसके साथ इसके और भी बहुत सारे काम है तो स्पेशलाइज बी है ये यानी एक खास हद तक नहीं है इसके स्पेशल फंक्शन है Uh, इसका काम डिफरेंट है और uh, ये अपने फंक्शन के साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर रहा होता है जैसे सिर्फ रेड ब्लड सेल्स तो ब्लड का हिस्सा नहीं है वाइट ब्लड सेल्स भी ब्लड का हिस्सा है तो वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली आपके डिफ़ेंस मैकेनिज्म के अंदर जो है बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है आपको अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बैक्टीरिया अटैक कर देता है तो वहाँ पे आपकी न्यूट्रोफिल जो है वो स्टेमोलेट हो जाते हैं वो वहाँ पे आते हैं और ख़ुद जो है वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ख़त्म करने में जो है उनकी प्रोडक्शन होती है और फिर उनको जो है वो कीमोटैक्सिस के ज़रिए या फेगोसाइटोसिस के ज़रिए उस जरासीम को जो है वहाँ से दूर भगा देते हैं या ख़त्म कर देते हैं इसी तरह अगर कोई वायरल इन्फेक्शन आता है तो आपको पता होगा कि जब आप सीबीसी सी की कोई रिपोर्ट देख रहे होते तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आ, आपके लम्फोसाइड्स जो है वो ज़्यादा है या आ, क्या हुआ है उनको तो वो लम्फोसाइड बेसिकली हमें यही बता रहा होता है कि देर इज़ समलू ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो कि अब जो है वो आप एंटी वायरल ड्रग्स जो है वो लेंगे या किसी अगर वायरल ड्रग नहीं यूज़ कर रहे लेकिन उसके रोकथाम के लिए जो है वो ज़रूरी हदायत पे जो है वो अमल करेंगे इसी तरह अगर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है या किसी को एलर्जी हुई है तो एलर्जिक रिएक्शन के अंदर आपके जो है वो न्यूट्रोफिल ज्यादा नहीं होंगे ना आपकी लिफोसाइड ज्यादा होंगे बल्कि एक और किस्म का सेल जो है वो ज्यादा अब होगा और उस सेल को जो है वो हम कहेंगे इजीनोफेल कहेंगे ठीक है तो इस तरह ये बड़ा एक स्पेशलाइज्ड किस्म का टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूड फॉर्म के अंदर है मल्टीपल फंक्शन है इसके एट सेम टाइम मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एक जगह पे कट अगर लग जाता है तो प्लेटलेट आ जाते हैं कहीं इन्फेक्शन हुआ है तो डब्ल्यू आ जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स तो आपके होल लाइफ जो है वो अपना यही फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है आपकी एनर्जी आपको एनर्जी देता है खुदा ना खास अगर आपकी एच बी जो है वो कम हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब एनीमिक जो है वो हो गए हैं आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो पूरे ऑर्गन को सही तरह प्रोवाइड नहीं कर हो रही तो वो भी बहुत सारे कंसिक्वेंस उस एनीमिया के जो है वो आ सकते हैं सो मेनली अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो चार डिफरेंट हिस्सों में जो है वो इसके कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करेंगे एक को कहेंगे प्लाज्मा प्लाज्मा इज अ मीडियम इन विच सेलुलर एलिमेंट्स आर सस्पेंडेड ठीक है प्लाज्मा बेसिकली वो मटेरियल है वो फ्लूड है वो मादा है वो पानी है कि जिसके अंदर ये सेलुलर एलिमेंट्स फ्लोट कर रहे हैं ओके okay? ये आप देख रहे हैं कि आपके बॉडी के अंदर अगर ये प्लाज्मा नहीं है तो सेल तो कहीं एक जगह तक मुख्तस हो जाएंगे जो कि मतलब लिटरली अगर हम सोचें तो कोई लाइफ जो है फिर नहीं बन सकती तो जब तक प्लाज्मा है तब तक आपके सेलुलर एलिमेंट जो है वो मूव करेंगे वो कहीं भी भी जा रहे हैं वो किडनी में जा रहे हैं लंग्स में जा रहे हैं आईस की तरफ जा रहे हैं ब्रेन को नरिशमेंट दे रहे हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो रहा है इंटेस्टाइन को देखे तो जितने आपके जितने आपके आ, होंगे आ, सेल्स होंगे ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं यार जीकुम वालेकुम क्या हाल है जी ठीक ठाक है मैं क्लास ही ले रहा हूँ जी क्लास में आपका फ़ोन उठाया है मैंने अच्छा लिंक पे आप शेयर क्लिक कर दे तो यहाँ पे आप लॉबी में आएंगे मैं आपको एक्सेप्ट कर दूंगा ठीक है जी जी ट्राई कर ले आप या नेट आपका कमजोर होगा ठीक है थैंक यू <coughs> अच्छा बहरहाल सो कनेक्ट नहीं हो रहा तो इसमें तो होना चाहिए कहने क्या से। ओके सो इट हैज फोर मेन कंपोनेंट तो ये प्लाज्मा uh, जो है बेसिकली वो मीडियम है आपके जब कोई कट लग जाता है तो आपका ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है अब जब ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो वो किस कलर के अंदर होता है रेड कलर के अंदर होता है वो जो रेड कलर है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है तो वो जब बाहर निकलता है तो आपको वो रेड ब्लड रेड कलर ही नज़र आ रहा होता है अब वो बजात खुद रेड ब्लड सेल नहीं है बल्कि वो एक ड्रॉप है किस चीज़ का एक कलेक्टिव एक प्लाज्मा का एक ड्रॉप है जिसको कलर दिया गया है रेड ब्लड सेल की वजह से और उसी ड्रॉप के अंदर कुछ डब्ल्यूबीसी भी हो सकते हैं उसी ड्रॉप के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं तो ये मीडियम है जिसके अंदर सस्पेंडेड है आपके सेलुलर एलिमेंट्स है इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसी है कि आप अगर चाय बना रहे हैं दूधपति दूध

कर रहे हैं तो डेट इज बेसिकली मिल्क और अगर दूसरी वाली चाय बना रहे हैं तो वो पानी हो जाएगा तो यही मिसाल जो है एग्जैक्टली हमारे ब्लड के ऊपर भी है कि अगर हम इसको प्लाज्मा निकाल लेते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता ये बिल्कुल ना मुकम्मल सी बात हो जाएगी फिर आपके और पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे आपने देखा होगा कि जब ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो वो जो आगे वाला एरिया होता है अल्लाह माफ़ करे सब ने देखा होगा कोई ना कोई पेशेंट को देखा होगा तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है तो वो ब्लैक इस वजह से होता है क्योंकि उसकी सप्लाई वहाँ पर नहीं पहुँचती जिसकी वजह से वो सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं और उस डेड होने को क्या कहते है? नेक्रोसिस कहते हैं हैं यानी ब्लड की सप्लाई बंद 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 हो 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 गई ऑक्सीजन गया इंग्रेडिएंट्स वहां पे जाना हो गए हो गए नर्व डैमेज तो और फिर उस जगह को जो है वो काटना पड़ेगा या वहां से उसको कोई लायामल देखना पड़ेगा जो कि डिपेंड करता है, जो काउज हुई है वहां पे. तो ये चीज ब्लड के मुताबिक थी अच्छा अब यहाँ पे हम ब्लड होल ब्लड इस तरह के वर्ड जो है वो यूज करेंगे तो होल ब्लड याद रखें हमेशा होल ब्लड वो है जो आपके वैन आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर जो है वो सर्कुलेट हो रहा होता है इसको हम कहते हैं कि ये होल ब्लड है यानी होल मीन कामिल ब्लड है जिसके अंदर ये आपके जितने कंपोनेंट्स का तस्करा मैंने किया ये सारे के सारे वहां के अंदर जो है वो क्या है मौजूद है ठीक है तो ये होल ब्लड हो गया अब यहाँ पे एक और बात आती है कि ब्लड करता क्या है तो पहली चीज तो ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है बाहर से बाहर एनवायरनमेंट से हमें थ्रू माउथ या थ्रू नोज जो है वो हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या करता है लंग्स की तरफ चला जाता है लंग्स का और हमारे ब्लड का बड़ा एक गहरा ताल्लुक है वहां पे ट्रांसपोर्ट टैक्सीज जो है वो खड़े हुए हैं वो कौन से टैक्सीज है वो रेड ब्लड सेल्स के हैं इनकी डिग्गी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो के, उनके गैस के सिलेंडर्स होते हैं ओके और ये ऑक्सीजन जो है उसी गैस के अंदर उसी सिलेंडर्स के अंदर जो है भर जाते हैं और फिर सप्लाई करते हैं रूट है आपका होल ब्लड पूरा जो है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो उसके तरफ जा रहे होते हैं तो वहां पर आप समझे कि ये जो रेड ब्लड सेल है ये बेसिकली ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं जो के अपने पास अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं और जहाँ पे ये ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं वहाँ पे वहाँ से कार्बन डाई ऑक्साइड जो है वापस लेके आते हैं और वो एक्सहेल करते हैं तो ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन ख़ुद एक बहुत एनर्जाइज प्रोसेस है कि अगर आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का अमल ख़त्म कर दें तो आपकी आपको हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी जो है वो कमज़ोर होना पड़ जाएगी आपको एनर्जी नहीं मिल रही आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा So that's why the first and most important function is transport, uh, that is, transporting oxygen and nutrients to the lungs and tissues. Now, हमारे बॉडी के अंदर मिसाल के तौर पे कभी कभार हम कहते हैं कि आ, ये रिच डाइट है आयरन का ये फ्लेट रिच डाइट है या इसके अंदर कैल्शियम है या इसके अंदर मैग्नीशियम है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनग्री वो आप ले रहे होते हैं फ़ूड आप ले रहे होते हैं अब ये फूड को कैसे पता चला कि मेरे अंदर कैल्शियम है मेरे अंदर आयरन है और मैंने जो है वो फ़लाँ फलाँ जगह पर जाना है मैंने हड्डियों के अंदर जाना है अगर मैं कैल्शियम हूँ मैंने आयरन अगर ये उसमें है क्योंकि आयरन जो है वो आपका हीमोग्लोबिन के अंदर होता है तो उसको कैसे पता चलता है कि ये इस फूड से मैं जो है वो आयरन बहुत ज्यादा है अब मैंने इसको लेके जाना है तो एक्चुअली इसको आसान अल्फाज के अंदर ये समझे फ्रॉम माउथ यानी टंग से ही लेके आपके माउथ से ही लेके आपकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है अब ये जो डाइजेशन होती है ये थ्रू आउट आपका एंड uh, तक जो है वो इंटेस्टाइन तक जो है ये जा रहा होता है और इस डाइजेशन के दौरान जितने आपके मिनरल्स है जितने आपकी फूड आइटम्स है उनमें किसी न किसी के अंदर जो मैंने बता दिया कि आयरन है किसी के अंदर फोलेट है किसी के अंदर क्या चीज है किसी के अंदर क्या चीज है, है तो उनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं ओके ट्रांसफर्ड रिसेप्टर्स होते हैं यानी जब उनको पता चल जाता है डिटेक्ट हो जाता है कि आयरन आया हुआ है तो आयरन वहां पे उसके लिए एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं है, फेरीन कहते है, ठीक है फेरिक बेसिकली आयरन के लिए, लिए यूज होता है ट्रांस का मतलब है कि सप्लाई ठीक है तो फेरीन उसका नाम पड़ गया अब ये वहां पे जाएगा और उसको बाइंड कर लेगा ओके बाउंड कर लेगा तो वो आयरन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके उसके अंदर उसकी एब्जॉर्बन शुरू हो जाएगी एक एक सेल के अंदर जो कि रेड ब्लड सेल है उसके अंदर उसकी सप्लाई होना शुरू हो जाएगी और पर्टिकुलर एरिया को जो है वो सप्लाई होती जाएगी इसी तरह कैल्शियम है इसी तरह अल्ब्यूमन है प्रोटीन है बहुत सारे आप जिस जिस चीज का नाम ले रहे होंगे

Carry oxygen and release of carbon dioxide and absorption of some nutrients to the lungs and tissue, etc. Okay. Forming blood clots to prevent excess blood loss. अब आप देख रहे होते हैं कि एक तो वो कट्स होते हैं जो हम कोई आप शेफ बना रहे हैं तो कट लग गया आप कोई काम कर रहे हैं तो ब्लड कट लग गया या आप किचन के अंदर काम कर रहे हैं तो कोई कट लग गया तो वो कट जो है वो थोड़ा सा बड़ा कट होता है इसी तरह के कट्स हमारे बॉडी के अंदर हर रोज अंदर, अंदर अंदर जो है वो हो रहे होते हैं क्योंकि अंदर एक जाल बिछी हुई है बहुत बहुत ही हल्की और उसको कैपलरीज बेड कहते हैं तो ये हमारे बॉडी जो है वो कैपलरीज आर्टरीज और वेंस आर्ट्रियोज ये सारा जो है वो एक जाल जो है वो बचा हुआ बिछा हुआ है जिसके अंदर जो है वो ब्लड की सप्लाई जो है वो हो रही होती है एक जगह से दूसरी दूसरी जगह से तीसरी और ये एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो रहा होता है ओके अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर कभी भी कट लग जाए वो इनर कट है या वो आउटर कट है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है कि जब भी मिसाल के तौर पे अगर कोई आ, अगर पानी है टंकी है आ, और उसके अंदर या बोतल है उसके अंदर जो है वो सुराख हो जाए तो पहले हमारा काम क्या होता है कि वहाँ से वो जो इनर उसमें जो मीडियम मीडिया uh, पड़ा हुआ है ओके okay, या जो फ्लूड पड़ा हुआ है वो बाहर ना जाए ठीक है तो इसी तरह अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेंगे वहां पे कोई प्लग देंगे हम प्लग किसी कहते हैं कि कोई स्टॉपर देंगे ताकि वो कट हो जाए वो बंद हो जाए ज़्यादा अगर ब्लड किसी से निकल जाए तो क्या होगा हाईपो वॉली होगा नंबर वन दूसरा क्या होगा उसको एनीमिया काज हो जाएगा एक्यूट फेस के अंदर तीसरा क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाए शॉक में चला जाए तो बड़े बड़े ट्रामाज के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या किया जाता है उस ब्लड को स्टॉप करने की पूरी जो है वो एफर्ट्स किए जाते हैं तो बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे सेल्स बनाए हैं जो कि यही काम करते हैं अब ये जो काम है ये दो तरीके तरीके से करते हैं नंबर वन क्या होता है कि जब कोई कट लग जाता है तो उस कैपिलरी से, से या उस जहाँ पे कट लगा हुआ है उससे पर्टिकुलर कुछ एंजाइम जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं वो जैसे ही रिलीज हो जाते हैं तो वो मैसेज जो है वो लेके चले जाते हैं प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स को मैसेज चला जाता है कि कोई हमत अब होनी चाहिए वो एक दूसरे को हाथ दे देते हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं करीब कर देते हैं और इस क़रीब होने के सूरत हाल में वो आके रोल रोल होके जो है उस कट की तरफ आ जाते हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है तो वहाँ पे वो एक प्लग बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन ठीक है प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन क्या है कि प्लेटलेट्स डिफरेंट इकट्ठे हो गए और वहां पे जाके उसने उस पर्टिकुलर जो कट लगा हुआ था उस एरिया को बिल्कुल क्या कर लगा दिया बैरियर लगा दिया वहां पे फायदा क्या हुआ कि अब जो ब्लड कॉन्टिन्यूसली वहां से रिलीज हो रहा था वो रिलीज जो है वो अब नहीं होगा और ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा कुछ दो तीन चार मिनट के बाद जो है वो स्टॉप हो जाता है अब इस ब्लड कि जब कलेक्शन होती है यानी प्लेटलेट प्राइमरी प्लग जब बन गया तो प्राइम प्लेटलेट प्राइमरी प्लग बनने के बाद जो है अब ये मज़ीद एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको और मज़बूत करना है ये जब और मज़बूत होगा तो वो मजबूती जो है वो किस चीज़ से आएगी आपका लीवर जो है वो डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो बना रहा है क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम आपने सुने होंगे जैसे फेबरनजन है क्रिसमस फैक्टर है हीमोफिल्क फैक्टर है हेगमिन फैक्टर है इस तरह के तेरह फैक्टर्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो यही काम करते हैं जिनका काम ही यही है कि आपने जो है वो ब्लड को क्या करना है स्टॉप करना है तो पहले प्लेट प्लग फॉर्मेशन होगा उसके बाद उस प्लेट प्लग को और मजबूत जो है वो स्ट्रैटन करने के लिए जो है वो क्या करना होता है ये फॉर्मेशन होती है क्लॉट फॉर्मेशन होती है और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन ठीक है तो जो प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन है उसकी मिसाल ऐसे है कि कोई पानी आ रहा है किसी दरिया में और आप उसको अपने आ, अपने बाग को या अपने खेत को जो है वो बचा रहे हैं तो वहाँ पे आपने बहुत सारे छोटे 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 पत्थर रख दिए अब अगर सैलाब का रेला आएगा तो वो पत्थर बिखर जाएंगे ठीक है तो यही मिसाल जो है वो यही भी होती है कि वो बिखरने के लिए जो है फिर उनको क्या करना चाहिए एक नेटवर्क चाहिए एक जाल चाहिए और वो जाल जो है वो कौन प्रोवाइड करता है वो आपके क्लॉटिंग फैक्ट प्रोवाइड करते हैं तो मजबूत होना शुरू हो जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद जो है से एक हल्का सा जो है एक एक वाइटिश फ्लूड निकलना शुरू हो जाता है जो उसके बेसिकली प्लाज्मा ही होता है ठीक है ये इसी को हम प्लाज्मा कहते हैं तो वो वहां से रिलीज हो जाता है और आपकी उंगली पे अगर कट लगा हुआ है तो ब्लीडिंग क्या होना शुरू हो जाती है बिल्कुल स्टॉप होना शुरू हो जाती है तो दो फंक्शन हो गए पहला वन ट्रांसपोर्टिंग ठीक है दूसरा क्या हुआ फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सिस ब्लड लॉस ठीक है तीसरी जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि आपके ये जो फर्स्ट वन था वो रेड ब्लड सेल का हुआ दूसरा जो था वो प्लेटलेट का हुआ और तीसरा जो है वो हमारे पास और क्या इसमें रह गया डब्ल्यू बी सीज रह गए डब्ल्यू बी सीज किस कहते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इसको अच्छा ये अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कभी कभार कि जो डब्ल्यू बी सीज है डब्ल्यू बी सी को डब्ल्यू बी सी क्यों कहते हैं ये वाइट तो नहीं होते आप अगर इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो ये वाइट बिल्कुल भी नहीं होते इनको हम स्टैन करते हैं कलर देते हैं और इनका कलर जो है किसी का पर्पल होता है किसी का ब्लू होता है किसी का ऑरेंज कलर का होता है तो ये जब फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हो रहे थे तो उन्होंने दो किस्म के सेल्स देखे एक रेड ब्लड सेल देखा जो कि ब्राउनिश था वो तो हीमोग्लोबिन की वजह से वैसे भी ब्राउन लग रहा था तो उसको उन्होंने नाम दिया साइंटिस्ट ने कि ये रेड ब्लड सेल है उसके साथ जो है एक ट्रांसपेरेंट भी कुछ सेल नज़र आ रहे थे उनको थ्रू माइक्रोस्कोप तो वो ट्रांसपेरेंट थे तो इसी वजह से हम ज्यादातर हम भी पाकिस्तान के अंदर भी आप देख रहे होते हैं कि हम जो चीज जो है वो बिल्कुल शफाफ हो तो हम कहते हैं बिल्कुल वाइट सफेद चिट्टा है ठीक है थीके? तो इसी तरह उसका नाम भी क्या बन गया वाइट ब्लड सेल जो है वो नाम बन गया तो इस वजह से इसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं वाइट ब्लड सेल का जो मेडिकली नाम है तो उसको हम कहते हैं लीकोसाइड्स कहते हैं और लीकोसाइड जो है वो बेसिकली पाँच डिफरेंट किस्म के होते हैं ओके okay. डब्ल्यू जो है वो कितने किस्म है? के हैं फाइव मेनली जो कि हमारे सर्कुलेशन के अंदर होते हैं नंबर वन क्या है न्यूट्रोफिल दूसरा क्या है इजिनोफिल तीसरा क्या है बेजोफिल फोर्थ वन जो है वो मोनोसाइड है और फिफ्थ जो है वो हमारे पास लिफोसाइड है अब इनका काम क्या होता है हमारे आपने देखा होगा कि जब हमारे मुल्क के अंदर भी कभी कभार जो है वो देख रहे थे कि कभी पुलिस आ जाती है कभी रेंजर्स आ जाती है कभी आर्मी वाली आ जाती है कभी कभी आर्मी सी भी नहीं हो पा रहा होता तो ऑपरेशन करने के लिए जो है वो रेंजर्स आना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह के डिफरेंट जो है वो ये डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपकी एक टीम है जिसमें से न्यूट्रोफिल अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है बहुत अच्छा काम करते हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए ये वो

और इनके फिर बहुत सारे तरीके हैं जो कि यहाँ पे आप डिस्कस करने के नहीं है लेकिन जनरली आपको ये पांच सेल के नाम याद होने चाहिए और इनका काम क्या है तरीके वारदात क्या है ये बस आपको जो है वो याद होने चाहिए फिर उसके बाद और भी फंक्शन है इसके जैसे कि आपकी जो किडनी है तो किडनी बेसिकली क्या है आपका ब्लड जो है वो फिल्टर करता है आपकी सर्कुलेशन जो है वो हार्ट से स्टार्ट होके और फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होके फिर किडनी जो है उसको क्या करता है फिल्टर करता है क्योंकि आप जब कुछ ले रहे हैं कुछ डाइट ले रहे हैं या हम जो भी कुछ ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं अब जब बॉडी के लिए नुकसानदेह है तो उसको फिल्टर होना ज़रूरी है और जब ये फिल्टर हो जाएंगे तो वो फिल्ट्रेशन का असल मतलब क्या होता है कि जो फ़िल्टर चीज़ है जो कि हमें नहीं चाहिए वो नीचे चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा जो कि यूरिन की शक्ल के अंदर जो है वो बाहर निकल रहा होता है और जो बाकी हमारा सर्कुलेटेड मटेरियल है जिसको हम ब्लड कहते हैं जो बिल्कुल साफ़ है तो वो हमारे बॉडी को जो है वो प्रोवाइड करेंगे किडनी पेशेंट के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि उन बेचारों का जो है वो स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है क्यों स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है क्योंकि उनका यूरिया और करटनिन लेवल जो है वो अबाव हो जाता है नॉर्मल से और उनकी फिल्ट्रेशन भी प्रॉब्लम कर रही होती है तो उसकी वजह से वो पानी जो है वो सही तरह बाहर नहीं निकल रहा होता जो टॉक्सिक सबस्टांस होते हैं यूरिया की शक्ल में तो वो बाहर नहीं निकल रहे होते और बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है जिसकी मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है फिर क्या किया जाता है उनके डायलिसिस पे रखा जाता है तो डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी है बेसिकली वो आपके ब्लड को क्या कर रहा है साफ कर रहा है उससे वो यूरिया और जो मवाद जो हमें नहीं चाहिए उसको क्या किया जा रहा है फिल्टर किया जा रहा है तो ये काम जो है वो फ्री में अल्लाह ताला ने हमारी किडनी को सपोर्ट किया हुआ है और ये वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो किडनी के जरिए लिवर के ज़रिए ये क्या किया जाता है इनको बाहर कर दिया जाता है और आपका जो है वो पूरी बॉडी का फंक्शन जो है वो क्या हो रहा होता है परफॉर्म हो रहा होता है ठीक है तो यहाँ तक हमने ये आ, समझने की कोशिश की कि ब्लड बेसिकली क्या है ब्लड एज अस्पेशाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं मेनली जो है वो दो कंपोनेंट्स है लिक्विड फॉर्म एंड सेलर एलिमेंट्स लिक्विड को हम क्या कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं और सेलर को कौन सा कहते हैं रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीस फिर उसके साथ और प्लेटलेट्स सॉरी और फिर उसके बाद हमने कहा कि ब्लड के फंक्शन क्या है तो डिफरेंट फंक्शन मैंने आप लोगों के सामने जो है वो डिस्कस कर लिए अच्छा अब यहां पे जो होल ब्लड है आ, उसमें आप लोगों को चलिए बस ये आगे भी हम बता देंगे ठीक है ओके सो so, uh, यहाँ पे अब लेब में अगर हम काम कर रहे हैं बीइंग एज स्टूडेंट ऑफ फिल्बोटमी तो यही होल ब्लड जो है ये हमें किस लिए चाहिए होता है यही होल ब्लड जो है वो हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं होल ब्लड से मुख्तल किस्म के टेस्ट हो रहे होते हैं जैसे कि आपका सी बी सी किस से हो रहा है होल ब्लड से हो रहा है आपका ब्लड ग्रुप किससे हो रहा है होल ब्लड से हो रहा है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किस चीज़ से हो रही है होल ब्लड से हो रही है आपकी एच बी सी जो है वो किस चीज़ से हो रहा है होल ब्लड से हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें होल ब्लड भी चाहिए हमें रेड ब्लड सेल भी चाहिए हमें प्लेटलेट्स भी चाहिए हमें प्लाज्मा भी चाहिए और हमें सीरम भी चाहिए तो यहाँ पे बेसिकली इस टॉपिक को इसके साथ लिंक करने का मकसद ही यही था कि अगर आपको बॉडी के ब्लड का पता है तो बाहर जब ये ब्लड निकलेगा तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर ये ये चीज़ जो है ये पड़ी हुई है मौजूद है और इससे हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं तो लिक्विड प्लाज्मा जो है ये हमारे पास तकरीबन वॉल्यूम के अंदर जो है वो 55-55 से 60 परसेंट होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि हमारे पास होते हैं 40 टू परसेंट ये आपके बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं ठीक है ये आप पिक्चर देख लीजिएगा बाद में मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा तो ये हमारे पास सिनेरियो होता है अब होल ब्लड मजीद जो है वो और क्या क्या चीज है क्योंकि हमने तो एक राइट साइड वाला पढ़ा कि कॉम एलिमेंट्स के अंदर लीकोसाइट जिसमें से ग्रोलोसाइड्स और ए गनोलोसाइड्स मेनली ये दो के होते हैं ग्रेनुलोसाइड वो होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं इस चीज़ को आप वो ना करें डिस्कस अगर हम करेंगे तो काफ़ी टॉपिक जो है वो लंबा हो जाएगा लेकिन इनमें से सिर्फ यही होता है कि इनके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसके बेस पर जो है वो हम इनको कहते हैं कि ये ग्रेनुलोसाइड्स है जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते उनको हम ए ग्रेनुलोसाइड कहते हैं लेकिन बेसिकली ये कितने किस्म के होते हैं पांच के होते हैं न्यूट्रोफिल इजीनोफिल बेजोफिल न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट और मोनोसाइट एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो कि थ्रम्बोसाइट उसको भी हम कहते हैं ठीक है थीके? अब ये प्लाज्मा की तरफ देख रहे हैं तो प्लाज्मा बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मटेरियल है और इस प्लाज्मा के अंदर आपके पास जितने आपके टेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सारे के सारे जो है वो आपके प्लाज्मा के अंदर ही है आप अगर किसी का कैल्शियम टेस्ट करते हैं तो कहाँ से होता है प्लाज्मा से हो रहा है सीरम से हो रहा है आप अगर कह हारमोन्स टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो कहाँ से हो रहे हैं उसी प्लाज्मा में ही है आप अगर इलेक्ट्रोलाइट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो इसी के अंदर है प्रोटीनस का आप कर रहे हैं तो इसी के अंदर है अब जितने भी आपके टेस्ट है हजारों लाखों जितने भी टेस्ट है तो उसके लिए जो मटीरियल आप ले रहे हैं जो मटीरियल आप सक कर रहे हो जिसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जिसको आप होल ब्लड की शक्ल में ले रहे हो और फिर उसको सेंट्रफ्यू कुछ करके जो है जो ऊपर वाला मटेरियल नजर आता है तो बेसिकली ये सारी चीजें उसी के अंदर मौजूद होती हैं तो बेसिकली आपका प्लाज्मा जो है ये एक तबानाई से या एनर्जी से या मिनरल से एक भरा हुआ Uh, एक मटेरियल uh, है जो कि हम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए किसी ह्यूमन बीइंग से uh, ले सकते हैं किसी भी वक्त हम इसको ले सकते हैं ठीक है तो होल ब्लड uh, दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होगा प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट तो फॉर्म प्लाज्मा में आप देखिए अमाइनो एसिड्स बिल्कुल प्लाज्मा में है न्यूट्रिएंट्स आपके जितने होंगे प्लाज्मा में है प्रोटीन्स अल्ब्यूमिन ग्लोबिल्स फेब्रोनोजिन ये सारे कहाँ पे है प्लाज्मा में है आर्टीरियल ब्लड गैसेस कहाँ पे है बिल्कुल प्लाज्मा से ही लिए जाते हैं ठीक है आपके आर्टरी से ब्लड जो है वो लिया जाता है तो वो कहाँ पर है तो बेसिकली ब्लड के साथ ही है तो ब्लड किस चीज़ से बना हुआ है प्लाज्मा से ही बना हुआ है फिर सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड एलक्ट्रोलाइड जिनको क्या कहा जाता है ये कहाँ पर है प्लाज्मा पे है नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो कहाँ पर है प्लाज्मा के अंदर है और इस तरह और बहुत सारे सैकड़ों का हजारों चीजें जो कि आपके प्लाज्मा के अंदर जो है वो बनी लगी हुई है और एम्बेडेड है ठीक so, है सो होल ब्लड की अब जो प्रॉपर डेफिनेशन है जी होल ब्लड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द ब्लड दैट रन थ्रू आर्टरीज एंड कैपलरीज इज नोन एज होल ब्लड तीन डिफरेंट किस्म के ट्रांसपोर्टर जो स्ट्रीम्स है वो आप लोगों के सामने डिस्कस किए गए हैं एक को कहते हैं वेंस वेंस क्या है आप अपने हाथों को देखें और आप अपने बाजू को देखें। तो इसमें जो पतले पतले ब्लूइश कलर के स्पॉन्जी किस्म की एक लेयर गई हुई है तो बेसिकली ये क्या है वेंस है नीचे जो आपके सेकेंडरी सिचुएशन के अंदर जो आपके हाथ के अंदर अगर बहुत अंदर की तरफ बंदा चला जाता है तो उसमें क्या होते हैं आर्टरीज होते हैं और बोलो बहुत हल्के बारीक से जो रगे होती है उनको हम क्या कहते हैं कैपेलरीज कहते हैं तो ये पूरा सर्कुलेशन जो है वो इसी के अंदर ही हो रहा होता है तो द ब्लड दैट रन थ्रू वैंड आर्टरीज एंड कैपेलरीज इज नोन एज होल ब्लड यानी सिंपल अल्फाज के अंदर इसका मतलब यही हुआ कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम होल ब्लड कहते हैं या दूसरी तरह फिलबोटोमी डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वो ब्लड जो हम वैन से ले रहे हैं थ्रू से और आपके पास ट्यूब के अंदर वो ब्लड होली सोली आ गया तो दैट इज होल ब्लड ठीक है तो इसका मतलब यही है कि आपके बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा होल ब्लड कहलाता है और सिरिंज के जरिए आप जब डायरेक्ट होल ब्लड पूरा ले रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं होल ब्लड कहते हैं अबाउट सेवन टू एट परसेंट ऑफ यूर बॉडी वेट इज ब्लड आपके बॉडी का जो है वो तकरीबन सात से आठ परसेंट जो है वो वेट ब्लड का होता है जैसे कि एवरेज मैन के अंदर जो है वो बारह पेंट ऑफ ब्लड होता है ये पेंट जो है ये आपके फाइव हंड्रेड को जो है वन पेंट कहा जाता है यानी खून का एक बोतल जो है वो एक पिंट होता है नॉर्मल हिसाब में देखिए तो एक आम आदमी के अंदर जो ब्लड है वो कितना होगा वो बारह होगा और ये हमारे पास फीमेल के अंदर जो है ये ब्लड क्या हो जाता है थोड़ा सा कम होता है डिफरेंट सर्टन उसकी वजह से खातू खात का जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा आदमियों के मुकाबले में कम होता है तो उसमें बॉडी मास भी आ जाता है फिजियोलॉजिकल साइकिल्स भी आ जाते हैं कुछ हारमोनस भी आ जाते हैं उनकी वजह से उनका ब्लड जो है वो क्या हो रहा होता है वो कम होता है आदमियों का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो होल ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास इसी तरह ही है कि वो भी मेल के अंदर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है फीमेल के अंदर जो है वो थोड़ा सा कम होता है ये नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ हाँ कोई ख़तून है और वो बॉडी मास जो है वो अच्छा रख रही है वो उसका उसकी फिज़ीक जो है वो ठीक है नॉर्मल ही है तो और वो अच्छी खाती जो है यानी बैलेंस डाइट की मैं बात कर रहा हूँ अच्छी खाना जो है इज़ नॉट खाना और पिज्ज़ा और बर्गर ये तो आपको और बेकार कर देंगे ठीक है प्रॉपर जो डाइट है जिसमें सारे मिनरल्स आपके मौजूद है तो उसको एनीमिया फिर नहीं होता नहीं तो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो है वो आपके पास आयरन डिफिशेंसी एनीमिया हर दूसरे खातून को जो है वो आयरन डिफिशेंसी एनीमिया है और उसकी वजह ही यही है कि आप सही डाइट नहीं ले रहे होते साथ में जो है और मसाय फिर साथ में प्रेगनेंसीज़ तो वो ब्लड जो है वो पूरा नहीं हो रहा होता और उसी की शक्ल में जो है वो कभी एक एनीमिया कभी दूसरा एनीमिया जो है वो हो रहा होता है चले मर्द हजरात फिर भी इधर उधर जो है वो खा लेते हैं कोई इशू नहीं होता तो उनका डाइट जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ बैलेंस हो जाता है गोश्त वो खाते हैं बहुत सारी खातान जो है वो गोश्त नहीं खा रहे होते आ, ये लोबिया खा लेते हैं बहुत सारी खातिन लोबिया नहीं खाते तो इस वजह से हमारे जनरल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मोस्टली उनमें से आप देख लें कि बहुत सारे बच्चे हम अगर सर्वे कर ले तो उसमें से अक्सरियत ऐसी होगी कि वो नाश्ता किए बगैर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल जा रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है फिर साथ में हाइजीनिक प्रॉब्लम अनहाइजीनिक फूड जो है वो हम ले रहे होते हैं सब्ज़ी मंडी चले जाते हैं वहाँ से जब हम वापस आ रहे होते हैं तो कोई किसी चीज़ को अगर हमने सही तरह जो है वो धोया नहीं तो एच एचपाइलोरी आ जाती है या कोई और इस तरह के बॉम्ब uh, आ जाते हैं जो कि फूड के साथ क्योंकि ज़मीन से ही निकलते हैं तो वो uh, आपको पता है कि सफाई का रुझान इतना ज़्यादा नहीं होता वहाँ पर तो हम घर में ख़ुद उसको फिर इतनी अच्छी तरीके से साफ अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये तो इंश्योर करा लें कि ये सब्जी जो है ये या जो भी हमारे पास घर में खाने के लिए की चीज़ आती है तो उसको हम खुद अच्छी तरह साफ करें वरना वो फिर किसी ना किसी बैक्टीरियल शक्ल के अंदर या किसी एच एचपायलोरी की शक्ल के अंदर जो है वो हमारे एंटेस्टाइन के अंदर हमारे स्टमक के अंदर वो चीज़ चली जाती है और फिर उनकी एब्जॉर्पन नहीं हो रही होती है मैन सिंपल मैं बता दूँ कि बच्चों के अंदर जो एनीमिया कॉज हो रहा होता है वो क्यों कॉज हो रहा होता है क्योंकि बच्चे क्रॉल करते हैं बच्चे ज़मीन पर ही होते हैं ज़्यादातर और वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को उठाते हैं मुंह के अंदर ही डालते हैं क्योंकि बच्चों का मेन जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि कोई चीज़ ज़मीन से उठा ले कोई भी चीज़ उठा ले और वो मुंह के अंदर रख ले अब उस वक्त जो है वो डिफरेंट ख़राब चीज़ें भी जा सकती है और वो फिर जो है अगर हुक्म जो है वह चला गया आपके एंटेस्टाइन के अंदर तो बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा होता है और पता चलता है कि उसके पेट के अंदर जो है वो जो आम तौर पर हम क्या कहते हैं कीड़े हो गए हैं और फिर वो जब कीड़े हो जाते हैं तो वो आयरन की एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे होते आयरन नहीं हो रहा होता जब आयरन जब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता तो उसकी वजह से एनीमिया होता है जब एनीमिया होता है तो उसको बहुत सारे जो है वो एनीमिक कंसिक्वेंस जो है वो शुरू हो जाते हैं वो कभी बेहोश होता है कभी वो रो रहा होता है कभी वो ठीक नहीं हो रहा होता है कभी वो जो है वो कमज़ोर हो पड़ रहा होता है बार बार बीमार हो रहा होता है तो उस सबकी वजूहत जो है वो आपकी बैलेंस डाइट के साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी का प्रॉपर इस्तेमाल क्योंकि आपने देखा कि प्लाज्मा जो है वो आपका 55 से 60 परसेंट जो है ये आपका क्या है बेसिकली पानी है तो पानी जो है ये हर एक ऑर्गन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर हम उसको भी रिड्यूस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर सेलर एलिमेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर भी प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाएगी तो इसी वजह से जब भी आप कोई डाइट प्लान करें तो लाजमी बात है कि वो आपका बैलेंस डाइट हो ओके अच्छा इसके साथ अगर हम मजीद देख लें तो अब लेब की तरफ हम आ जाते हैं ये थोड़ी बहुत जो है ये फिजियोलॉजी थी अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको टच कर देते हैं और फिर फिजियोलॉजी की तरफ हम जाएंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ब्लड सिरिंज के थ्रू यहाँ से ड्रा हो रहा है और यहाँ पे ब्लड जो है वो एक ट्यूब के अंदर जो है वो हमने लिया और फिर इस ट्यूब को हमने क्या करना होता है सेंट्रीफ्यूज करना होता है ये एक मशीन है जिसके अंदर आप ब्लड को क्या कर रहे होते हैं सेंट्रीफ्यूज कर रहे होते हैं यानी रोटेट कर रहे होते हैं जब आप इसको तीन से चार मिनट तक रोटेट कर लेते हैं तो आपका जो ब्लड होता है वो दो तीन पार्ट्स के अंदर क्या हो जाता है मेनली दो पार्ट्स के अंदर क्या हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है एक नीचे वाला एरिया होता है जो कि कंप्लीटली आपके रेड ब्लड सेल्स थे रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है आपके बॉडी के अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर जो है वो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं ठीक है ठीके? बहुत ज़्यादा है ये 4.5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर जो है ये इतने रेड सेल्स होते हैं उसके बाद जो है वो डब्ल्यू होते हैं जो कि जिसको ये वाला जो छोटा लेयर है सेकेंड वन इसको हम कहते हैं डब्ल्यू यानी बफ़ी कोड कहते हैं तो ये मिक्सचर होता है आपके लिक्वसाइड का और प्लेटलेट्स का एक मिक्सचर होता है तो ये कम होते हैं इसी वजह से ये लेयर छोटी आई हुई है ये डब्ल्यू नॉर्मली हमारे पास कितने होते हैं चार हज़ार से ग्यारह हज़ार पर माइक्रोलीटर तो कहाँ पे मिलियन के अंदर और कहाँ पे हज़ारों के अंदर ठीक है तो रेड रेड सेल का काम जो है वो बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू बी सी का नहीं है अगर अल्लाह ना करे डब्ल्यू बी सी ख़त्म हो जाए तो फिर तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लेकिन चार हज़ार से ग्यारह हज़ार की फौज ही आपके बॉडी को क्या है उसके लिए कंप्लीट है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर जो है वो परफॉर्म कर सके और चार अश मिन से पाँच मिलियन आर बी सी पर माइक्रोलीटर के लिए कम्प्लीट है कि वो ये सारे फंक्शन जो अभी हमने बता दिए ये कंप्लीट कर सके इसी तरह प्लेटलेट जो है वो आपके एक लाख पचास हजार से आ, चार लाख पचास हजार तक जो है वो हमारे पास जो है वो आपके प्लेटलेट्स होते हैं पर माइक्रोलीटर और बाकी जो आपको पानी नजर आ रहा है ये क्या है ये आपका प्लाज्मा है ठीक है अब प्लाज्मा आ, दो बातें आ गई कि एक प्लाज्मा जो है वो हम तस्करा कर रहे थे कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक फ्लूड के अंदर एम्बेडेड है जिसको हम क्या कह रहे हैं प्लाज्मा कह रहे हैं एक तो ये प्लाज्मा हुआ एक और प्लाज्मा जो हम लैब के अंदर जो है वो यूज कर रहे होते हैं कि ऐसा ब्लड जो कि हम एंटीकॉगोलेंट के साथ जो है वो लिया जाए तो उसको सेंट्रीफ्यूज कर ले तो उसको भी प्लाज्मा कहलाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये यह जो ब्लड हमने लिया था इसके अंदर पहले से क्या पड़ा हुआ था एंटी कोगुलेंट जो है वो पड़ा हुआ था इस वजह से इसको हमने क्या कहा प्लाज्मा अगर यहाँ पे कोगुलेंट नहीं होगा तो फिर उस वक्त हम इसको क्या कहेंगे सीरम कहेंगे ठीक है तो प्लाज्मा और सीरम के दरमियान जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है अब एक क्वेश्चन जो है वो कभी कभार जो है वो स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि सर ये बॉडी के अंदर फिर हम सीरम क्यों नहीं कहते तो आप समझे कि बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे नेचुरल एंटीकॉगोलेंट्स ऑलरेडी मौजूद है जो कि उस पर्टिकुलर आपके बारह पिंट ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता ठीक है वो कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन के अंदर होता है प्रॉपर जो है उनके अंदर एंटीकॉगोलेंट होता है हैिन की शक्ल में प्रोकॉगोलेंट एक्टिविटी की शक्ल में तो आपका ब्लड आपकी बॉडी के अंदर जो है वो क्लॉट नहीं हो रहा होता वरना फिर हम इसको कहते हैं कि ये सीरम है ओके इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये प्लाज्मा है और इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रेंट्स डिफरेंट एंटीकॉगोलेंट्स डिफरेंट प्रोकॉगोलेंट एक्टिविटी ये सारी कुछ जो है वो हो रही होती है तो इस वजह से बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता खुदा न खास्ता अगर ये क्लॉटिंग शुरू हो जाती है तो फिर आपके आप जो है वो बहुत जल्दी किसी डिजीज का शिकार हो जाते हैं जैसे डी आई सी डिसमिनेटेड इंट्रावोस्कुलर कागुलेशन या खुदा न खासा कुछ ऐसे स्नैक वेनम होते हैं सांप जिस जैसे किसी को काट देता है तो क्या किया जाता है कि उस एरिया को पर्टिकुलरली फ़ौरी तौर पर क्या किया जाता है बांध दिया जाता है क्यों ताकि वहाँ पे जो क्लॉट बन रहा है वो बाकी बॉडी को जो है वो ग्रेब ना कर सके बॉडी बाकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचा सके और या उसी जगह को जो है वो सत किया जाता है मुंह के जरिए ताकि वहाँ से वो वेनम जो है वो बाहर निकल आए और बाकी बॉडी जो है वो महफूज रहे बल्कि YouTube पे आप लोगों ने एक वीडियो भी देखी होगी वो स्नै को पकड़ के ब्लड उससे मुंह से जो है वो जहर निकाला जाता है और वो ब्लड को क्लॉट कर देता है तो यही जो है ये क्या की हो जाता है कि वो उसकी कागुलेंट एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है और उसको जो है वो क्लॉट बनाने में मदद देता है तो ये याद रखें कि बॉडी के, के अंदर ब्लड जो है वो डिफरेंट वजूहत के बिना पर क्लॉट नहीं होता जिसमें से एक ये है कि उसके अंदर ऑलरेडी नेचुरल एंटी कोगोलेंट है दूसरा ये कि उसमें फंक्शन में है तीसरा यह है कि वो सर्कुलेशन के अंदर होता है फोर्थ यह है कि कि उसका बॉडी नॉर्मल होता है ये है है फिफ्थ आपको जब कट लग जाता है तो उससे भी कुछ इंजाइम रिलीज हो जाते हैं जो जो कि आपके बॉडी के क्लॉट्स को जो है वो बनने नहीं दे रहा होता तो हमारे पास यहाँ तक जो है वो जो कुछ हमने पढ़ा तो उसमें होल ब्लड होल ब्लड के फंक्शन होल ब्लड के एलिमेंट्स और फिर प्लाज्मा और होल ब्लड के दरमियान जो है वो फर्क अच्छा अब फिर दोबारा फिजियोलॉजी की तरफ आ जाते हैं कि ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि होल ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच हैव मल्टीपल फंक्शन एंड हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक डब्ल्यू प्लेटलेट्स एंड आर अब ये सेल्स आते कहाँ से है डू ब्लड सेल्स कम फ्रॉम ठीक है सो ब्लड सेल्स फ्रॉम फ्राम स्टेम सेल्स एंड आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो

पवाइसिस कहा जाता है हीम जो है ये ब्लड को कहते हैं और पोइसिस का वर्ड जब आता है तो इसको मतलब ये होता है कि ये फॉर्मेशन है सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज़ कार्ड हीमेटो अब ये एक रेगुलेटेड वे के अंदर होता है यानी इस तरह नहीं होता कि ब्लड बन रहा है और कैसे पता चल रहा है कि ये डब्ल्यू बन रहे हैं ये आर बन रहे हैं ये प्लेटलेट्स बन रहे हैं ये कोई और सेल बन रहा है तो जब स्टार्ट में भी हमारा हमारी बॉडी होती है और दो सेल्स से वो बन रहे होते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह के स्टेम सेल जो है वो बन रहे होते हैं और वो रेगुलेटेड वे के अंदर जो है वो पर्टिकुलर उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स इम्पेक्ट uh, करते हैं उनके ऊपर जो है वो फैक्टर्स uh, की इन्हेंसमेंट uh, होती है जिसकी वजह से वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो बन रहे होते हैं जो ब्लड के लिए पर्टिकुलर है तो उसको हम कहते हैं स्टेम सेल्स का कहते हैं उनको ठीक है ये कौन से स्टेम सेल होंगे ये ऑब्वियसली हेमोबायोटिक स्टेम सेल्स होंगे तो यहां से ये बनेंगे और कहां पे होते हैं ये आपके बोन्स के अंदर होते हैं तो बोन मैरो इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल यानी वो जो फैक्ट्री है वो कौन सी है वो बोन मैरो की है ठीक है सो हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स कैन ट्रांसफर इनटू द रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स यानी इसी स्टेम टेम्सल से तीन आपके मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो है वो बन रहे होते हैं जिसको हमने डब्ल्यू बी सी बनाया ब, बताया आर बी सी बताया और प्लेटलेट बताया दीज ट्स कैन बी फाउंड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड बोन एंड द पीपल ऑफ ऑल एज़ेस एज वेल एज इन द्लैकॉड ऑफ द न्यू बर्न बेबीज ठीक है अब न्यूबॉर्न बेबीज जो होंगे तो उनके अंदर भी बिल्कुल उनके बोन्स होते हैं लेकिन अगर थोड़ा और पीछे चले जाए आठ महीने सात महीने छः महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो वहाँ पे तो कोई बोन्स नहीं थे तो उस वक्त जो है वो आपके और तीन चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी पहले महीने के अंदर योक्सक जो था वो इम्पोर्टेंट होता है ये सेल्स वहाँ पे होते हैं और वहाँ से ब्लड बन रहा होता है देन लिवर जो है वो आपका बन चुका होता है तो हेमिटोपाइसिस जो है वो लिवर के अंदर हो रही होती है देन आपका स्प्लीन बन चुका होता है तो आपका स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमिटोपाइसिस और जब बर्थ हो जाती है तो ऑबियसली फिर वो मैरो जो है बन रहा होता है तो आपके वर्टिब्रेस आपके स्टर्नम आपका रिब्स आपके लिफ नोड्स फीमर ये सारे के सारे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डब्ल्यू बी सीज आर बी सीज और प्लेटेट को की प्रोडक्शन के लिए आपकी अगर सत्तर साल है तो ये सत्तर साल तक यही फंक्शन करेंगे अगर सौ साल है तो सौ साल तक यही फंक्शन जो है वो करते चले जाएंगे और ये जो है वो फिर बोन फॉर दिस काइंड ऑफ हेमिटो ठीक है अच्छा अब ये जो डब्ल्यू बी सीज है इसके फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है और आर बी सी के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है और आ, प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें उससे ये जो हाफ प्लाज्मा मेड इन द बॉडी अब ये ब्लड तो बन गया रेड ब्लड सेल्स बन गए किस चीज़ से बन गए मैरो से बन गए कहाँ पे बने लिवर में भी बने स्प्लीन में भी बने अब एंट्राइड्राइन लाइफ में और बोन मैरो से भी बने जितने बोन्स थे आपके स्टर्नम स्कल फिल्वर्स टिबिया फेबला जितने भी आपके थे वो सारे के सारे बन रहे सो प्लाज्मा इज मोस्टली मेड ऑफ द वाटर इन साबजॉर्ब थ्रू द पर्सन डाइजेस्टिव फैक्ट ईच डे हम जो भी कुछ ले रहे हैं वाटर ले रहे हैं और उसमें नरिशमेंट हम ले रहे हैं तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक से जो है वो क्या हो रहे होते हैं हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इट्स द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड वर्क्स ऑफ द ब्लड आर ट्रांसपोर्ट इन एट ठीक है it, तो ये फिर वहाँ से किस चीज़ का काम दे रहा होता है ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम दे रहा होता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रं जो कि हमारे पास साल्ट है हारमोन्स है सर्कुलेटेड थ्रू आउट योर बॉडी इन प्लाज्मा तो ये वो मीडिया है जिसके अंदर ये रेड सेल्स जो है वो लगे हुए होते हैं और आप ये आपके कहाँ से जो है वो डिफ्यूज़ हो रहा होता है बेसिकली आपके सर्कुलेटरी सिस्ट सॉरी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है ये बेसिकली एबजॉर्ब हो रहा होता है और आपके बॉडी और आपके रगों के अंदर जो है इसकी अमाउंट जो है वो क्या हो रही होती है बढ़ रही होती है ठीक है अच्छा रेड ब्लड सेल्स क्या है बेसिकली मोस्ट जो कि हमारे पास 40 to 45 वॉल्यूम है अगर figures के अंदर हम इसको देख ले तो 4.5 से 5.5 ये होते हैं को अगर हम के देख ले तो ये एक shape होता होता है है और ये round सा होता है, डिस्क की तरह होता है रेड ब्लड के फॉर्मेशन को हम कहते हैं कहते हैं ठीक है क्योंकि पोइसिस मैंने पहले कहा कि

और वो मॉलिक्यूल किसके होते हैं हीमोग्लोबिन के होते हैं तकरीबन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल एक रेड ब्लड सेल के होते हैं एक रेड ब्लड सेल कितना होता है वो सात माइक्रॉन से लेकर आठ माइक्रॉन तक होता है बहुत छोटा होता है लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो उससे ज्यादा छोटे हैं यानी अगर सात माइक्रॉन के अंदर आपके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर काफी कुछ जो है वो अंदर मौजूद है सो so, हीमोग्लोबिन क्या होता है हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि दो पार्ट से बना हुआ है एक को हम कहते हैं हीम और दूसरे को हम कहते हैं ग्लोबिन कहते हैं ठीक है विच हेल्प कैरी ऑक्सीजन और यही हीमोग्लोबिन ही होता है कि इनका जो एक हाथ है वो खाली होता है जैसे मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दिया आप लोगों को कि ये टैक्सी होता है बेसिकली जिसके डिग्गी के अंदर जो है वो एक सिलेंडर रखा हुआ होता है तो ये सिलेंडर इज़ दैट खाली हाथ जो कि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है कैरी कर रहा है और फिर ये जहाँ पे चला जाता है वहाँ पे ये प्रोडक्शन इसकी हो जाती है उसको सप्लाई कर देता है और वहाँ जहाँ पे सप्लाई करता है तो ऑब्वियसली उनके घर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत आ रहा होता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर दोबारा उसकी डिग्गी के अंदर रख देते हैं और फिर वो थ्रू जो है वो क्या कर रहे होते हैं बाहर निकाल रहे होते हैं थ्रू एक्सलेशन जो है ब्लड अपीयर रेड बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच गेट दियर कलर फ्रॉम द हीमोग्लोबिन तो ब्लड का कलर रेड क्यों है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन The percentage of whole blood volume that is made up of red blood cell is called hematocrit, and is common measure of the red blood cell. ठीक है ये पर CBC की रिपोर्ट कभी इन्शाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीजें जो है वो काम आएंगी अभी आपसे हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स को याद करें ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर आपके चार जो है ये हमारे पास आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है एक के अंदर चार डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं तो आयरन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सर्वाइव के लिए और आयरन आता कहाँ से है आयरन आना जो है वो हमें कहाँ से होता है आपके डाइट से होता है अगर आपका डाइट जो है वो प्लैंड है वो बैलेंस है तो तभी आपको आयरन मिलेगा आयरन नहीं मिलेगा तो आपके मॉलिक्यूल्स कम पड़ जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स पड़ जाएंगे आपकी हीमोग्लोबिन कम पड़ जाएगी आपकी हीमोग्लोबिन कम होगी तो इसी डिजीज़ को तो हम कहते हैं एनीमिया तो एनीमिया होगा एनीमिया होगा तो फटीग है लेताजी है वीकनेस हो जाएगी सांस का जल्दी फूलना गुस्सा बहुत जल्दी आना बहुत ज़्यादा जो है वो दिल खफ़ा होना रोना या चिड़चिड़ापन हो के आना आपकी नेल्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे स्पून शेप हो जाएंगे आपकी स्किन जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगी आपके हेयर्स जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे जो है वो कंसिक्वेंस वो फिर किसी वजह से होते हैं सिर्फ एक वजह से होती है कि आपका हेमोग्लोबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल से come of what head taken, so Papa? so, हीमोग्लोबिन जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन uh, ये याद रखे कि हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ आयरन डिफिशेंसी इन्हीं में कम होने की वजह से नहीं होती बल्कि और भी बहुत सारे वजूहत हैं जो कि यहाँ पे हमारा टॉपिक नहीं है आ, लेकिन ये याद रखिए कि उसमें एक वजह जो है वो क्या है वो आयरन डिफिशेंसी इनीमिया है आयरन की कमी की वजह से वो डिफिशेंसी हो जाती है बाकी फोलेड की वजह से भी हो जाता है कॉपर की वजह से भी हो सकता है लेड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है जो कि बहुत सारे कज़न मैरिज होते हैं जिनके फैमिलीज़ के अंदर थैलीसीमिया है उसकी वजह से भी हो सकता है जी सिक्स डिफिशेंसी की वजह से भी हो सकता है हेमोल्टिकीमिया की वजह से भी हो सकता है किडनी फेलियर की वजह से भी हो सकता है ठीक है तो बहुत सारे एक बहुत लंबी लिस्ट है पूरा का पूरा सेमेस्टर इस पे चल जाता है तो उसमें से एक जो है वो आयरन है और आयरन का मैंने इसी वजह से तस्करा किया क्योंकि आयरन जो है एक बहुत बड़ा इशू है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर कि बैलेंस डाइट की वजह से इसको हम जो है वो नहीं ले रहे होते तो उसकी वजह से एनीमिया जो है वो काज होता है तो समराइज करके फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन को लीको और प्लेटलेट के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे थ्रम्बो कहेंगे ठीक है ये आपके डब्ल्यू बी सीज़ के डब्ल्यू बी सीज़ जो है ये बैक्टीरियाज़ को क्या करते हैं न्यूट्रोफिल को बेसिकली उसके अगेंस्ट काम करेंगे अपना आ, आ, इनके खिलाफ जिहाद करेंगे या इनके खिलाफ लड़ेंगे जिस तरह आपको आसानी हो वो आप बस यही समझें कि बैक्टीरिया जब भी आएंगे तो उसके अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा उनमें से ज्यादा सेल्स किसके होंगे न्यूट्रोफिल के होंगे एजुनोफिल एलर्जिक कंडीशन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन बेसोफ़िल एलर्जिक कंडीशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ज्यादा फर्स्ट लाइन जो है वो एजुनोफिल आते हैं और और साथ में जो लिम्फोसाइट है वो वायरल इन्फेक्शन के अंदर होते हैं मोनोसाइट जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस अदर फॉरेन पार्टिकल्स जितने भी होंगे तो उसमें से ये आगे पीछे ऊपर नीचे जो है ये हो रहे होते हैं ये जिनका काम होता है फिर वो समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा हो रही है तो कौन से मेडिसिन जो है वो होनी चाहिए वो एंटी वायरल ड्रग्स होनी चाहिए बैक्टीरियल होने चाहिए एंटी आ, एलर्जिक जो है वो होने चाहिए तो वे बेसिकली जब आप सी सी देखते हो तो उसी रिपोर्ट के बेस पर जो है वो आपको डॉक्टर जो है वो यही चीज़

है ये physiology of blood के जो कि आप लोगों को uh, being as a student of ये आपको पता होना चाहिए वो आपके ये डिफरेंट सल्स जो है वो इसी तरह परफॉर्म करते हैं उनके फंक्शन ये है उनके फॉर्मेशन जो है वो यूँ होती है तो ये इतना तक जो है वो आप ये समझ ले तो बहुत है काफी है ये अच्छा अब हम आते हैं लेब की तरफ दोबारा और जो फिलबोटमिस्ट का काम है तो होल ब्लड आपको पता चल गया कि जो हम वैन से ब्लड ले रहे होते हैं दैट इज बेसिकली होल ब्लड अब होल ब्लड एक सैंपल है हमारे पास दूसरा हमारे पास सैंपल होता है प्लाज्मा और तीसरा हमारे पास होता है सीरम ये मेनली ब्लड सैंपल्स है ओके okay? इसके अलावा भी बहुत सारे सैंपल्स हैं जो कि हम एंड पे पढ़ेंगे नॉन ब्लड सैंपल्स उसको कहते हैं लेकिन मेनली जो होल ब्लड से बनते हैं वो हमारे पास दो बनते हैं एक को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं सीरम इसको समझने के लिए आपको ये आना चाहिए कि हमारे पास एक सबस्टांस होता है जिसको हम कहते हैं एंटी कागुलेंट एंटी कागुलेंट का मतलब क्या होता है कि वो आपकी जो कोगुलेशन की एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट होता है यानी आपने अगर होल ब्लड लिया और थोड़ी देर के लिए आपने उसको आ, किसी सिरिंज के अंदर रखा या ब्लड के या किसी ट्यूब के अंदर रखा या ब्लड आपका आ, कहीं गिर गया ठीक है तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो जमा हुआ खून जो है वो बन जाता है तो देट जमना इज़ बेसिकली क्लॉटिंग ठीक है वो उसी को हम क्या कहते हैं काबुलेशन कहते हैं अब जब हमें होल ब्लड चाहिए होता है तो ऑब्वियसली अगर हम ट्यूब के अंदर ब्लड लेंगे तो वो तो क्लॉट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद तो उसके लिए एक ऐसा केमिकल चाहिए जो कि इस फेनोमेना को क्या किया कर सके वो इनहेबिट कर सके यानी क्लॉटिंग नहीं हो पाए तो उसकी वजह से हम उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस डालते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीकॉगोलेंट तो एंटीकॉगोलेंट की डेफिनेशन जो है वो यूं हो जाएगी कि दिस इज अ केमिकल सब्सटेंस बिट्स द फिनना ऑफ कागुलेशन ये एक ऐसा केमिकल है एक ऐसा सबस्टांस है कि जो कि आपके कागुलेशन को क्या कर देता है इनहेबिट कर देता है तो जब भी हमारे पास ये एंटी कोगुलेंट किसी ट्यूब के अंदर हो तो उस वक्त हमने अगर उसमें होल्ड ब्लड डाला और फिर उसको सेंट्री फ्यूज कर दिया तो ऊपर जो हमारे पास वाटर आएगा जो फ्लूड आएगा जो लिक्विड आएगा उसको हम कहेंगे कि ये प्लाज्मा है और अगर किसी ट्यूब के अंदर कुछ भी नहीं था यानी कोई कोगुलेंट मौजूद उसके अंदर नहीं होगा और फिर उसको हम सेंटर कर दें तो ऊपर जो हमारे पास मटेरियल आएगा वो हमारे पास क्या होगा वो हमारे पास सीरम कहलाएगा ठीक है सो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम इज के प्लाज्मा इज ऑलवेज ट्रीटेड विद ए substance which इज called anticoagulant, where सीरम इज anticoagulant लेस ठीक है उसके अंदर कोई एंटीकोवलेंट नहीं होगा अब ये एंटीकोगुलेंट क्यों हम जो है वो पढ़ रहे होते हैं या क्यों इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि आप लेब के अंदर जो है वो आपको ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एंटीकोगुलेंट्स का पता चले क्योंकि कोगुलेटेड ट्यूब्स मिलते हैं आपके कुछ सैंपल जो है वो प्लाज्मा से परफॉर्म होंगे अब अगर प्लाज्मा से परफॉर्म होंगे तो यू शुड हैव हाँ नो अबाउट दैट एंटीकॉगोलेंट कि यार मुझे प्लाज्मा किस तरह मिलेगा तो ओब्वियसली अगर आपको एंटीकॉगोलेंट का पता है तो तभी आपको प्लाज्मा मिलेगा अगर आपको नहीं पता तो फिर आप गलत सैंपल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरह अगर होल ब्लड हमें चाहिए तो उसके लिए भी आपको एंटीकॉगोलेंट मिलना चाहिए क्योंकि होल ब्लड तो होल ब्लड बॉडी के अंदर था लेकिन आपने जब ट्यूब के अंदर लिया और एंटीकॉगोलेंट उसमें नहीं है तो थोड़ी देर की बात तो वो क्लॉट हो जाएगा तो फिर वो तो आपका काम नहीं हो पाएगा तो फिर आपका मसला आना शुरू हो जाएगा तो इस वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स मिलते हैं जिसके अंदर जो है वो कमर्शियली अवेलेबल एंटीकोगुलेंट्स मौजूद होते हैं उससे पहले जो है वो कुछ नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट्स भी होते हैं जैसे कि बॉडी के अंदर मैंने बताया कि आपका ब्लड क्यों क्लॉट नहीं होता तो देर आर सर्टन नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट जिसमें से प्रोटीन सी है प्रोटीन एस हैपरिन है ये तीन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं इसकी वजह से आपके अंदर क्या ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो रहा कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट्स में आपका ईडीटीए एथाइलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड फिर दूसरा एंटीकोगुलेंट आता है सोडियम साइट्रेट आता है ऑक्सिलेट भी किसी हद तक जो है वो एंटीकोगुलेंट है फिर कुछ एंटीकॉकुलेंट ऐसे होते हैं जैसे हम अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि ब्लड जब हम डोनेट कर रहे होते हैं तो उसको एक बैग के अंदर डोनेट करते हैं और उस बैग को अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर भी कुछ पानी सा होता है तकरीबन सिक्सटी सेवन टू सेवेंटी एम कुछ होता है तो वो जो कुछ होता है दैट फ्लूड वो बेसिकली एंटीकॉकोलेंट ही होता है और वो होता है सी यानी सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज या सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडनिन जो है वो उस, उस बैग के अंदर जो है वो मौजूद रहता है तो जहां पे भी एंटीकॉलेंट होगा इसका मतलब ये है कि आपका जो जो भी सैंपल लिया गया है नाव दैट सैंपल इज प्रिजर्व एंड दैट सैंपल इज इन द सेम केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर जो कि बॉडी के अंदर था ठीक है यानी उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन और उसका जो हैत है वो अब चेंज नहीं होगी वो उसी तरह ही फॉर्म होगा अगर आपने खुदा न खासा एंटीकॉगोलेंट नहीं लिया तो अब जाहरी बात है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा सेल्स टूट जाएंगे उसका फिज़िकल अपेयरेंस जो है वो क्या हो जाएगी टूट जाएंगे पहले वो पानी की तरह था फ्लूड फॉर्म था लेकिन अब जो है वो क्या हो रहा है अब वो बिल्कुल क्लॉट बन गया अब मुंजमिद हो गया तो इस वजह से एंटीकोगुलेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ एंटीकोगुलेंट जो अब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो पहला जो एंटीकोगुलेंट है आपका पहला सबक जो है वो क्या है कि आप एंटीकॉगोलेंट मुख्तलिफ यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें से एक टेस्ट जो है वो हम लेते हैं सी बी सी होल ब्लड या एच बी ए सी उसके लिए जो ट्यूब हमें चाहिए होता है वो होता है लेवेंडर कलर का ट्यूब होता है इसका कलर इसके ट्यूब के जो कैप होती है इसके बेस पे हम बोल रहे होते हैं ठीक है तो ये क्या कलर है ये लेवेंडर कलर है अब जब भी ये ट्यूब आपको पाकिस्तान के अंदर मिले या कहीं दुनिया के बाहर कहीं पर भी मिले ये लेवेंडर कलर ही होगा और इसके अंदर जो एंटीकॉगोलेंट होगा वो कौन सा होगा ई डी टी ए होगा और ईडी टी किस चीज की है इथाइलिन डायान टिट्रा एसिटिक एसिड होगा ओके ये करता क्या है बेसिकली ये जो कैल्शियम है वो आपका फैक्टर नंबर फोर है तो ई उस कैल्शियम को क्या कर देता है कीलेट कर देता है यानी उसको इनहैबिट कर देता है जब उसको इनहैबिट कर देता है तो वो जो प्रोसेस होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स का यानी एक जो दूसरे को क्लॉट करेगा दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को इस तरह पूरा एक कैस्केड बन जाता है तो ये उसके अंदर जो है इंटराप्ट कर देगा और वो क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है पूरा नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं होगा तो ये पहला जो है ये हमारे पास ईजी है पर्पल और लेवेंडर डाईपोटाशियम डाईपोटाशियम के अंदर भी ये मिलता है uh, लेकिन डापोटाशियम जो है बहुत अच्छा है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीकोबल एंड ट्यूब आर यूजली फॉर कम्पलीट ब्लड काउंट लेवेंडर टॉप ट्यूब आर जेनरली यूज वेन होल ब्लड इज नीड फॉर एनालिसिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सम ब्लड बैंक प्रोसीजर सच इज ब्लड टाइप एंड ब्लड स्क्रीनिंग के अंदर भी यूज होता है uh, आपका आता है तो हैपरिन जो है वो फॉर केमिस्ट्री एंड साइटोलॉजी और भी कुछ बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके लिए आसमोटिक फ्रेजिलिटी हो गई उसके लिए आप कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं हैपरिन यूज़ कर रहे होते हैं ग्रीन ट्यूब के अंदर ये पड़ा हुआ होता है सोडियम साइट्रेट जो है आपके दो किस्म के ट्यूब के अंदर आएंगे एक जो है ये वाला कलर जो कि लाइट ब्लू कलर है और दूसरा रेड कलर सॉरी ब्लैक कलर इसके अंदर भी होता है तो ब्लैक जो है ये ई एस आर के लिए होता है जो कि इंफेक्शन को हम देखते हैं एरेथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेड को चेक किया जाता है तो एक उसमें होता है और दूसरा जो है वो कागुलेशन स्टडीज के लिए जैसे पी टी प्रोथ्रमबिन टाइम एक्टिवेटेड पार्सल थ्रमोप्लास्टिन टाइम या टी टी थ्रम्बोप्लास्टिन टाइम इस तरह के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को मालूम करने के लिए टेस्ट होते हैं तो उसके लिए हम ये ट्यूब यूज करेंगे एसीडी ब्लड बैंक के अंदर यूज होता है सीपीडीएवन ब्लड बैंक में ब्लड बैग के अंदर ही यूज होता है ब्लड बैंकिंग के लिए ठीक है तो ये हमारे पास जितने ट्यूब्स है ये उनके बारे में थोड़ा बहुत था अगला जो लेक्चर होगा उसमें इनशाला इसके एग्जीक्यूशन और इसको कौन कौन से टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है और मज़ीद जो है वो फिर आगे हम इसको और जो है वो मोडिफाइड करके इनशाला बढ़ेंगे तो अगर आज के टॉपिक को देख लिया जाए तो आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि होल ब्रेड क्या होता है ब्लड की डेफिनेशन पड़ी आ, उसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं उसके बाद कितने पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड होता है मेनली दो में होता है प्लाज्मा एंड सेलर एलिमेंट्स फिर प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है और प्लाज्मा को प्लाज्मा ही क्यों कहते हैं बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्लाज्मा क्यों रहता है इस पर हमारी बात हुई फिर उसके बाद सेलर एलिमेंट्स की प्रोडक्शन तो एंट्राटराइन लाइफ के अंदर योक्सैक के अंदर स्प्लिन के अंदर और लिवर के अंदर जो है इनकी प्रोडक्शन हो रही थी और फिर साथ में हमने उनके प्रोडक्शन को बताया कि बोन मैरो के अंदर भी होता है और उन प्रोडक्शन को कहते क्या है तो बेसिकली एलिथ्रोपोइस लीकोपोइस और थ्रम्पोपोइस कहते हैं फिर उसके बाद हमने सीरम और प्लाज्मा का डिफरेंस पढ़ा कि सीरम जो है वो वो है जिसके अंदर एंटीकोलेंट मौजूद नहीं होता एंटीकोगोलेंट क्या था केमिकल सबस्टांस विच इन द फिन ऑफ कोगोलेशन या वो ट्यूब के साथ हम ट्रीट करेंगे तो उसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो ऊपर का जो पानी होगा व्हाइट टिश लिक्विड होगा वो क्या कहलाएगा वो प्लाज्मा कहलाएगा जिसके अंदर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा सीरम कहलाएगा प्लाज्मा से कौन कौन से टेस्ट होते हैं तो जितने आपके अमाइनो एसिड्स न्यू न्यूट्रेंट्स हो गए कोलेस्ट्रोल हो गए ट्राइग्लिसराइड हो गया एच हो गया ये आपके जितने भी टेस्ट हैं ये सारे के सारे जो है वो आपके प्लाज्मा और सीरम से जो है वो हो रहे होते हैं कुछ पर्टिकुलर सैंपल्स ऐसे होते हैं कि जो आप प्लाज्मा से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैल्शियम का टेस्ट अगर करेंगे तो कैल्शियम प्लाज्मा से नहीं हो रहा होता ठीक है पर कैल्शियम जो है वो आपने सीरम से ही करना है इसी तरह आपके ब्लड ग्रुपिंग जो है वो होल ब्लड से हो रही है आपके जितने केमिस्ट्री के हार्मूनस वगैरह है ये प्लाज्मा और सीरम से हो रहे हैं आपकी जितने इम्यूनोलॉजी और सेरोलॉजी के टेस्ट हो रहे हैं वो किस से हो रहे हैं प्लाज्मा और सीरम से जो है वो हो रहे हैं तो ये चीज़ जो है वो हमने सीखने की कोशिश की और फिर उसके बाद जो है था वो हमने कुछ एंटीकॉकलेंट्स के नाम बताए जिसमें से आपके ई सोडियम साइट्रेट हैपरिन प्रोटीन सी प्रोटीन एस सीपीडी और सीपीडीए वन ये चार ही चीजें जो है वो आज हमने अपने लेक्चर के दौरान जो है वो समझने की कोशिश की किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन जो है वो अब पूछना शुरू कर दें एक्सक्यूज मी सर जी सर मुझे प्लाज्मा और सीरम की सही समझ नहीं आई है मतलब इसमें हम डिफरेंस जो आपने बताया वो मुझे सही समझ नहीं आई वो एक दफा फिर प्लीज एक्सप्लेन कर दें अच्छा होल ब्लड की आपको समझ आई है यस yes, सर वो मुझे आ गई है जी अच्छा आप मुझे ये बताइए वो स्काई पर... का डिफरेंस का मुझे समझ नहीं आई जी मैं वही बता रहा हूं होल ब्लड आप कहां से लेंगे प्रधान लोग सर बॉडी से लेंगे बॉडी से लेंगे ठीक है आप किसी सिरिंज को उठा के किसी के वेन से जो है वो होल ब्लड लेंगे होल ब्लड लेंगे ठीक है आपने उसी सिरिंज के अंदर अगर होल ब्लड लिया थोड़ी देर के बाद क्या होगा वो तो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा क्लॉट होना शुरू हो जाएगा ठीक है फिर उसी क्लॉट को अगर हम किसी ट्यूब के अंदर डाल देंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो है वो सारे रेड ब्लड सेल्स नीचे आएंगे और ऊपर एक पानी का लेयर बन जाएगा ऐसे ही होगा यस सर ठीक है तो ऊपर जो लेयर होगा वो क्या कहलाएगा वो प्लाज्मा कहलाएगा या सीरम कहलाएगा प्लाज्मा होगा सर वो सीरम होगा वो सीरम क्यों होगा uh, सर यही तो मुझे डिफरेंस समझ नहीं आ रही वो सीरम इस वजह से होगा कि उसमें आपने कोई एंटीकोगुलेंट डाला था नो no, सर नहीं डाला सर नहीं डाला तो जब भी आप कोई एंटीकोगुलेंट किसी ट्यूब के अंदर नहीं डालते तो जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे ऊपर जो पानी बन जाएगा दैट इज नोन एज सीरम ठीक है वो क्या होगा वो सीरम ही होगा वो तो सीरम होगा सीरम होगा ठीक है सीरम बेसिकली किसको कहते हैं सीरम जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसको हम पानी को कहते हैं जो हम उसके लिए भी यूज कर रहे होते हैं ये दो चीजें आपको मार्केट के अंदर भी मिलती है जो पीआर होता है प्लाज्मा वो अक्सर आप सोच रहे होते हैं कि ये बालों के लिए यूज हो रहा होता है तो क्यों यूज हो रहा होता है कि ये बड़ी, बड़ी अच्छी तरह नरिश करता है और सीरम जो है जो, है जो आप लोग फीमेल पर पर्टिकुलरली यूज कर रहे होते हैं तो वो क्यों यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर भी इस तरह कुछ के कुछ इन्ग्रीडियंट होते हैं जो कि पानी की शक्ल में होते हैं तो उसको हम सीरम कहते हैं तो नॉर्मली भी ये आप यूज कर रहे होते हैं लेकिन जब हम लेब की बात कर रहे होते हैं तो लेब में बी इसी को हम क्या कहते हैं कि वो पानी जिसके अंदर कोई एंटीकोकोलिन नहीं है और वो थोड़ी देर के बाद हम रख लिए। इवन उसको हम भी नहीं करेंगे तो थोड़ी देर के बाद एक घंटे के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसके ऊपर दूसरी बात बताए आपने ब्लड लिया सिरिंज के जरिए ठीक है आपने उसको एक ट्यूब के अंदर जो है वो डाल लिया जिस ट्यूब के अंदर मिसाल के तौर पे कोई किसी एक ट्यूब का मुझे नाम बता दे आ, इसमें आ, आपने उस लेवेंडर कलर के, के बात की लेवेंडर तो खैर होल ब्लड होता है उसमें भी होता है आ, लेकिन चले साइट्रेटेड आप उठा के देख ले जो कोगुलेशन के लिए यूज होता है आपने वो वाला होल ब्लड जो है वो उसके अंदर जो है वो क्या कर दिया पूरा का पूरा उसमें भर दिया ट्यूब के अंदर अब आपने उसको क्या किया सेंट्रीफ्यूज किया के अंदर आपके आपके पास पास जो है वो अब जब बंद हो गई तो आपके पास एक ट्यूब है जिसका कलर क्या है लाइट ब्लू कलर का है ऊपर जो है वो एक लेयर बन गया होगा किस चीज का लेयर होगा वो प्लाज्मा का प्लाज्मा का अब आप इसको प्लाज्मा क्यों कह रही है क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट था एंटीकॉगोलेंट एंटीकोगुलेंट बिल्कुल सिंपल ठीक है बिल्कुल सिंपल सिंपल मिसाल ये है इंसान के अंदर एंटीकोगुलेंट है Yes, sir. कौन Blood से में... है ब्लड में है कौन कौन से है आ... नहीं, नहीं, इंसान में नहीं है प्रोटीन सी प्रोटीन सी प्रोटीन एस और तो इंसान अगर मिसाल में दे दूं कि इंसान अगर कोई बॉटल है इंसान पांच फीट या छह फीट का एक बॉटल है और इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा तो सर प्लाज्मा ऊपर आएगा प्लाज्मा होगा तो इसी वजह से इंसान तो तो है और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो दैट ट्रीटेड विद एंटीकोगुलेंट उसको हम प्लाज्मा कहेंगे जिसके अंदर प्लाज्मा नहीं है सॉरी एंटीकोगुलेंट नहीं है और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे कहेंगे तो उसको तो उसको क्या कहेंगे सीरम कहेंगे ठीक है सीरम सर यस क्लियर हो गया ओके अच्छा सर एक मैं शबर हुसैन साहब बात कर रहा हूं कैनली वो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा जो पिछला लेक्चर था उसमें आपने एंटीकोगुलेंट जो बताए थे मुख्त ट्यूब्स के हिसाब से बताए थे ना जी तो अब इस वक्त जो इस लेक्चर में आपने और भी ऐड किए हैं एंटीकोगुलेंट अब इसमें ये मुझे बता दीजिए टोटल कितने जो होते हैं जो इसमें ब्लड जो अनालसिस या जो रिपोर्ट रिपोर्टेंट है सब बताया की एंटीकॉगोलेंट ऐसी एक चीज होती है उसके बाद आज मैंने बताया की लेबोरेटरी के अंदर जितने एंटीकॉगोलेंट यूज होते हैं उनके ये नाम है इसके आगे भी एक स्टेप मैंने जी आपको अगर आवाज आ रही है तो मैंने जी कहा जी, कि इससे एक स्टेप आगे भी हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको फिर एग्जैक्टली exactly वो ट्यूब दिखाएंगे कि इस ट्यूब के अंदर ये एंटीकॉगलेंट होता है और एक और नई चीज आएगी जिसको हम कहेंगे एडिटिव सोल्यूशन कहेंगे यानी कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो किसी एक ट्यूब के अंदर है जनरली आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा कि एंटीकोगुलेंट हम जब किसी लिबॉर्ट्री के अंदर कोई ट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं तो मेनली वो ई होता है जिससे हम सीबीसी सी करते हैं फिर सोडियम साइट्रेट होता है इनकी डाइल्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है एक ई एस आर के लिए यूज हो रहा होता है और एक कागोलेशन के लिए यूज हो रहा होता है ठीक है और कुछ जो है वो हैपरिन, हैपरिन खुद भी एक एंटीकॉगोलेंट है इसका भी एक ट्यूब आता है और साथ में ए सी डी और सी पी डी एवन ये भी है लेकिन ये एंटीकॉगोलेंट हम ब्लड बैग में यूज कर रहे होते हैं तो ये ट्यूब्स जो है ये अभी आपने ट्यूब्स के बारे में नहीं पढ़ा कि कौन से ट्यूब के अंदर कौन से एंटीकोगुलेंट है सिर्फ हमने जनरली बता दिया आप लोगों को अगला जो लेक्चर होगा उसमें इनशाला हम एंटीकोगुलेंट के बारे में ही बताएंगे कि अगर ये एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे मिसाल के तौर पर हम एंटीकोगुलेंट कह रहे हैं कि उसमें भी है लेवेंडर कलर के अंदर भी है लेकिन वो लेवेंडर कलर का एंटीकोगुलेंट हम सीपी सॉरी पीटी एपीटी के लिए यूज नहीं कर सकते तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोगों का वो एक्चुअली होगा भी यही कि क्यों यूज नहीं कर सकते क्या वजह है ठीक है तो यही ट्यूब्स जो है ये यही आपको जो है वो याद रखने हैं कि ट्यूब्स अभी इस सेमेस्टर इस वीक के लिए आप इतना कर ले कि ट्यूब के कलर्स सिर्फ कलर्स याद रख लेवेंडर कलर है लाइट ब्लू कलर है रेड कलर है ग्रे कलर है और येलो कलर है ये सिर्फ याद रख ले अगला लेक्चर जब आपका आएगा तो वो आपको आसानी आ जाएगी और प्लाज्मा सीरम का फर्क आपको याद हो गया और एंटीकॉगोलेंट की डेफिनेशन याद आ गई और थोड़े बहुत जो है वो एंटीकॉगोलेंट के नाम आपको याद हो गए जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर थैंक यू एक्सक्यूज सर जी सर आई गेस ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसा भी नेचुरल प्रोसेस होता होगा जहाँ पे प्लाज्मा जो है वो सीरम में कन्वर्ट हो जाता होगा या सीरम जो है वो प्लाज्मा में ऐसा सच कोई प्रोसेस होता है अच्छा ऐसा वैसे होता नहीं है ठीक है मिसाल के तौर पे आपका जो बॉडी के अंदर जो भी फ्लूड हम डिस्कस कर रहे होते तो उसको हम प्लाज्मा ही बोलते हैं ठीक है थीके? वो अदर जो आप शायद पहले से आपको आइडिया है या किसी ने बताया है या आप सोच रही है तो वो बेसिकली कुछ फ्लूड्स होते हैं जो कि प्लाज्मा नहीं कहलाती उसको हम फ्लूड ही बोलते हैं मिसाल के तौर पे जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूड होता है जिसको हम क्या कहते हैं साइनोवियल फ्लूड कहते हैं ओके या इसी तरह जो आपके लंग्स वगैरह है इसके इर्द गिर्द भी एक फ्लूड लगा हुआ होता है ठीक है तो वो एक फ्लूड होता है जो कि बिल्कुल नरिश करता है वो भी क्लॉट नहीं होता वो क्लॉट इस वजह से नहीं होता कि वहां पे वो रिलीज हो रहा होता है आपके ऑर्गेन्स से डिफरेंट तरीके से जो है वो क्या हो रहा होता है रिलीज हो रहा होता है और बेसिकली उसका काम क्या होता है लुब्रिकेंट्स देना सप्लाई यानी कि आपके जो लंग्स है आपके जॉइंट्स है या आपका स्पाइनल कार्ड हो गया जैसे सी है ये भी एक फ्लूड है तो उसको हम सीरम नहीं कहलाते ना इसको हम प्लाज्मा कहलाते हैं इसको हम पर्टिकुलर क्या कहलाते इसको हम फ्लू ही बोलते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बॉडी के अंदर जो है कहीं पे सीरम बन रहा है और कहीं एक करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? कि ये प्लाज्मा ही है या फ्लूड है तो फ्लूड तो फिर में बात कहीं और चली जाएगी आप और कंफ्यूज हो जाएंगे उसको छोड़ दे लेकिन बॉडी के अंदर जो है वो सीरम नहीं होता ठीक है यू जी कोई और क्वेश्चन है एक्चुअली uh, सर जी ने सर अस्सलाम वालेकुम सर सर एक क्वेश्चन था मेरा ये रैंडम ब्लड शुगर के बारे में ज्यादातर हम ये शुगर जो है दो तरीकों से करते ना एक ग्लूकोमीटर से करते जो कि हमें फाइव सेकंड या टेन सेकंड में हमें, हमें रिजल्ट देता है और दूसरा जो हम आ, सीवी ऑटो एनालाइजर uh, uh, होते है ना केमिस्ट्री मशीन करते तो 10, 15 हैं। तो मिनट्स लेते हम uh, दोनों तो से भी लगा सकते हैं। और ब्लड से भी अगर ब्लड में सही है तो हम सीरम से क्यों लगाते हैं अगर सीरम चीज का रिजल्ट सही आते तो हम ब्लड से भी क्यों लगाते हैं ये शुगर मालिक्यूल आरबीसी के अंदर होता है या प्लाज्मा इन चीजों के अंदर होते हैं जरा यह समझे सर प्लीज अच्छा आ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए आप एच बी की बात कर रहे हैं यानी सिर्फ शुगर की बात कर रहे हैं जनरली तो जो आपका दो अपार्टमेंट्स ऐसे है जहाँ पे ग्लूकोज होता है एक वो है कि जो तीन महीने के लिए आपका जैसे हीमोग्लोबिन का भी हमने जिक्र किया कि हीमोग्लोबिन का एक हाथ जो है वो खाली है जो किस चीज को पकड़ रहा है आपके ऑक्सीजन को पकड़ रहा है उसका एक और भी हाथ है पीछे एक और भी हाथ है जो कि ग्लूकोज को पकड़ रहा होता है ठीक है तो वो तो तीन महीने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ रेड ब्लड सेल के साथ एक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है जो कि उस ग्लूकोज को पर्टिकुलर जो कि आपके बॉडी के अंदर घूमता फिरता हुआ ग्लूकोज है ठीक है क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये एब्जॉर्ब हो रहा है ये बेसिकली प्लाज्मा के अंदर ये ग्लूकोज मौजूद है तो इस वजह से हम इसको किस चीज से करते हैं प्लाज्मा से करते हैं ठीक है एक तो ये है और ये प्रोसेस जो है ये चल रहा होता है बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी जो बात है ना ये ये क्या चल रहा होता है तो बिल्कुल ये चल रहा होता है आपकी को ये थोड़ी और आसानी हो जाएगी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि जब हम होल ब्लड लेते हैं तो होल ब्लड में हम बहुत जल्दी जो है वो उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं और सीरम क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं ऐसा क्यों होता है आप मुझे ये बता सकेंगे सॉरी सर ये समझा लीजिए हाँ देखिये तो ये एक्चुअल ये होता है कि एक तरफ तो आपने होल ब्रेड लिया ठीक है होल ब्रेड में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि होल ब्रेड में रेड ब्लड सेल्स के साथ क्या था ग्लूकोज है वो लिंक हुआ था जिसको हमने क्या कहा ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे एक तरफ जो है वो उस रेड ब्लड सेल्स के साथ ग्लूकोज बाइंड हुए है और दूसरी तरफ आप जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर जो प्लाज्मा है या जो सीरम है क्योंकि ग्लूकोज प्लाज्मा सीरम दोनों से हो सकता है कोई इशू नहीं है तो उसमें भी ग्लूकोस पड़ा हुआ है ठीक है जिस तरह सोडियम पोटाशियम पड़े हुए हैं उसी तरह उस सीरम के अंदर भी क्या पड़ा हुआ है ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो अब खुदाना खास्ता बल्कि खुदाना खास्ता भी नहीं होता है ये कि जब आप उसको एक घंटे दो घंटे तीन घंटे के लिए ऐसी ही छोड़ देंगे तो वहां पे वो ग्लूकोस, ग्लूकोस की जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा होता है वो बिल्कुल चल रहा होता है यानी वहां पे जितना ग्लूकोस सीरम के अंदर होगा वो आपके बाइंड होना शुरू हो जाएंगे किस चीज के साथ उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना शुरू हो जाएंगे तो जो एक्चुअल ग्लूकोज था उस सीरम का वो क्या होना शुरू हो जाएगा वो कम होना शुरू हो जाएगा तो कभी कभार यही होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो आपकी ग्लूकोज की है मिसाल के तौर पे वो है एक को परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद जो है वो पचहत्तर मिलीग्राम पर डेसी आ रहा है तो सवाल ये है कि वो जो सौ मिलीग्राम ग्लूकोज था वो किधर चला गया तो एक्चुअली वो कहां पर चला गया वो उसके ग्लूकोज ने जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा था वो उसने उसको जो है वो ले लिया है तो इस वजह से यही जो तुम्हारा पॉइंट है इसी वजह से हम जब भी ग्लूकोज का सैंपल लेते हैं तो वो कौन से ट्यूब के अंदर ले रहे होते हैं निसार? जी सर हम जब ग्लूकोज के लिए सैंपल ले रहे होते हैं तो उसको कौन से ट्यूब के अंदर ले रहे होते हैं? सर ज्यादातर तो सिरिंज में हम सर रिप्यूज करते हैं वैसे भी अगर हम लेते तो यहां पर Uh, जो है वो जेल ट्यूब है, है, सर ज्यादातर जेल यूज करते हैं अच्छा जो रिकमेंडेड है मैं आपको बता दूं ठीक है आप इसको अप्लाई भी करें जो रिकमेंडेड ट्यूब है वो हमारे पास ग्रे ट्यूब होता है कौन सा ट्यूब होता है ग्रे, ग्रे ट्यूब ग्रे ट्यूब होता है ग्रे ट्यूब इस वजह से होता है कि यही जो प्रॉब्लम होती थी ये आती थी बेसिकली ये ग्लूकोज लेवल को जो है वो हमें एग्जैक्ट ग्लूकोज लेवल ठीक नहीं देता था हम तो समझ रहे होते हैं कंट्रोल भी ठीक है कैलिब्रेशन भी ठीक है रिजल्ट हमने दे दिया बात खत्म हो गई लेकिन आगे हम पेशेंट के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे होते क्योंकि उनका इंसुलिन जो है वो आगे पीछे जो है वो इसी वजह से हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसको ग्रे ट्यूब के अंदर ले रहे होते हैं अब ग्रे ट्यूब के अंदर हम क्यों ले रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर सोडियम फ्लोराइड होता है सोडियम फ्लोराइड बेसिकली क्या करता है कि वो उसके ग्लूकोज के जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है इनहेबिट कर देता है स्टॉप कर देता है जो ग्लूकोज उसका है एग्जेक्टली आठ बजे मिसाल के तौर पे सुबह वही ग्लूकोज है वो रात आठ बजे भी ही होगा तो इस वजह से जो है वो हम फ्लोराइड ट्यूब के अंदर या उसको हम ग्रे ट्यूब कहते हैं इस वजह से जो है वो रिकमेंडेड यही है कि आपने ग्लूकोज को किसी रेड ट्यूब के अंदर या जेल सेपरेटर के अंदर नहीं लेना बल्कि आपने किसके अंदर लेना है आपने ग्रे ट्यूब के अंदर लेना है हाँ अगर लेट सपोज आप ले भी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप ले भी रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उससे रेड सेल्स वाला जो अपार्टमेंट है उसको कंप्लीटली है वो हटा दे तो वो कैसे हट जाएगा वो आप जो है वो सीरम कप के अंदर डाल लेंगे तो अब सीरम कप के अंदर जब होगा तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी ठीक है नहीं तो फिर अगर रेड ब्लड सेल उसके अंदर है तो उसका ग्लूकोज लेवल कम ही आएगा ये याद रखे या आप एक्सपेरिमेंट करके देखें वो कम आएगा

अच्छा एक्चुअली ये होता है कि जब आ, इसके साथ फिर डिफरेंट हारमोन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एक्सरसाइज से आपके जो हैप्पी हारमोनस है वो रिलीज़ होते हैं और जब वो रिलीज़ होते हैं ठीक है तो वो इंसुलिन के लेवल को थोड़ा क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं इंसुलिन का लेवल जब बढ़ता है तो उस की वजह से जो है वो आपकी जो ग्लूकोज़ जो बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज है वो क्या होना शुरू हो जाता है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है तो इस वजह से जो है वो आपकी इसी वजह से आपको कहते हैं कि ये आप क्या किया किया करें कि एक्सरसाइज किया करें और एक्सरसाइज का जो वक्त होता है ग्लूकोज जिनको डायबिटीज़ होती है उनका जो बेस्ट टाइम होता है वो यही होता है कि ये जो दोपहर का वक्त होता है क्योंकि इस वक्त जो है उस इंसुलिन की रिलीज़ या जो डोपामीन है या जो आपके सेरोटोनिन है वो वाले लेवल जो है वो इंक्रीज होते हैं तो वो फिर अपनी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर लेते हैं तो इस वजह से जो है उनको कहा जाता है कि आप एक तो एक्सरसाइज करें एक तो उसकी ये हारमोनल वजह हो गई दूसरी वजह क्या हो गई कि बॉडी हमारी जो अपनी बॉडी है इसके अंदर जो है वो आपको एडिपोज टिश्यूज नजर आएंगे एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे छोटे जो है वो टुकड़े होते हैं बेसिकली जिसके अंदर जो है वो आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो बाहर निकल रहे होते हैं जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो आपका इंसुलिन जो है वो पेनक्रिया से वो रिलीज हो जाता है जब पेनक्रिया से इंसुलिन रिलीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करने की वजह से वो पूरा का पूरा जो ग्लूकोज लेवल था जो कि ज्यादा होना चाह रहा है लेकिन अब आपने एक्सरसाइज करके इंसुलिन को बाहर निकाल लिया तो वो उसको क्या कर लेगा एम्बेड कर लेगा पकड़ लेगा और आपका लेवल

आप देख रहे होते हैं कि रमजान के अंदर कोई अगर भूखा भी रहे तो वो मरेगा नहीं या अगर आप किसी को एक हफ्ते के लिए भूखा रख दे वो नहीं मरेगा क्यों क्योंकि उसके अंदर अब भी ग्लूकोज है किस शक्ल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के शक्ल के अंदर एडिपोज टिश्यूज के अंदर तो पहले वो रिलीज होगा वो उसका प्रोसेस जो उसका होम्योस्टेसिस है वो बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्म करेगा बल्कि और अच्छा हो जाएगा वो उसकी डाइट कीटो डाइट जो हम कहते हैं तो कीटो डाइट के पीछे वजह ही यही है कि कीटो डाइट अगर कोई करता है तो उससे कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि उसके अंदर जो उसका पूरा एक ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स है या कोई और मिनरल है वो अभी भी कम्प्लीट है तो इस वजह से जो है वो पूरा एक सैनैरियो जो है वो बन रहा होता है

ये ये ल तो ही है लेकिन डब्ल्यू बी सी हम देखते हैं तो डब्ल्यू बी सी पांच किस्म के होते हैं न्यूट्रोफिल इजीनोफिल बेजोफिल मोनोसाइट और लिम्फोसाइड ये फिर डब्ल्यू बी सी के टाइप्स है ओके okay, आपकी अटेंडेंस मैं ले लूं आज नॉर्मली तो मैं इसको इब्राहिम मुगल आशिर नवाज अबीरा, सलाम, आमना सुल्तान, प्रेजेंट सर, अनीसा आवान, प्रेजेंट, मुनस्यार, प्रेजेंट सर اون هلا حاضر اشرا आलम حسيب أبّاسي. ايجاز الرحمن <و> محمد اسند <applause> मुमताज हुसैन आदिया प्रेजेंट प्रेजेंट सर सर।, सर रेहान गुल रेहान गुल रेहाना प्रेजेंट सर शहजाद अब्बासी शब्बर हुसैन शाह साहब प्रेजेंट सर ठीक है थैंक यू वेरी मच अच्छा मैं एक आ, आ, बात बताता चला बताता चलूं कि आप लोगों को मैंने आ, फी वॉचर जो है वो शेयर किया हुआ है तो काइंडली दिसंबर के एंड तक जो है उसके पा, आप पास आप लोगों के पास टाइम है तो वो अपनी फी जै, जैसे ही आप लोगों ने सबमिट की है या सबमिट करवाएंगे तो उसका वॉचर जो है वो फिर आपने मुझे सेंड करना है ठीक है थैंक यू वेरी मच तो वो जी क्या बता रहे हैं आप मैंने कहा जिसकी कंप्लीट जब मैं वो उसका तो कोई नहीं है ना हाँ हाँ जिन्होंने फिफ्टीन तो थाउजेंड थ्री हंड्रेड कम्प्लीट सबमिट करवाई हो तो उनका तो नहीं है थैंक यू थैंक यू ओके थैंक यू वेरी मच मैं इंशाल्लाह लिंक